दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेकानंद यादव, सत्य का प्रतीक द BNY न्यूज। आज लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में सुनवाई होनी थी रांची उच्च न्यायालय में, दुमका कोषागार मामले में सुनवाई हुई, मगर CBI के अधिकारियों ने काउंटर एफिडेविट प्रस्तुत करने की बात कही। कोर्ट ने उनके बात को माना और 21 नवंबर की तिथि, अगली तिथि मुकर्रर की गई। आज ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाएगा और जमानत मिलने की खुशी थी, लेकिन CBI के निवेदन के बाद एक तिथि और मुकर्रर कर दी गई है। अब 21 नवंबर को लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होगी और उस दिन ही फैसला होगा कि लालू प्रसाद यादव को बेल दिया जाए या ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आधी सजा काट लेने के बाद बेल दो मामले में उन्हें मिल चुका है। यह जो मामला दुमका कोषागार का है, इसमें जमानत मिलते ही लालू जी बाहर आ जाएंगे और समुचित इलाज करा सकेंगे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। लेकिन अहम बात यह रही कि CBI ने निवेदन करके डेट एक लिया जिस अगले तिथि को सुनवाई होगी, इसलिए सुनवाई होने के बाद बेल की अर्जी को टाल दी गई है। अब CBI के काउंटर एफिडेविट जमा करने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश मुकर्रर करेंगे कि अब आगे क्या करा जाए। उसके मुताबिक फिर जो समाचार आएगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।